नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए जो UPSC का जो पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन। तो ये जो हम पेपर सोल्व करने जा रहे हैं डी सीरीज वाला पेपर है, आप अपने पेपर को मिला के देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल 170% थे, 170 क्वेश्चन के अंदर, मतलब इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, जिसमें कि 30% लिखा है शुरू में जीके के, उसके बाद में 31 से 50 तक सामान्य हिंदी और 51 से 170 तक जो नर्सिंग वाला जो सब्जेक्ट था उसके क्वेश्चन थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंत्योदय योजना कब स्टार्ट हुई थी, अंत्योदय योजना का प्रारंभ कब हुआ था, सबसे पहले कहाँ किस राज्य ने किया था। तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर स्टार्ट हुई थी, उसके बाद में यूपी के अंदर स्टार्ट हुई थी। नीचे लिखा है इनमें से सही सुमेलित कीजिए महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के बारे में विशिष्ट प्रावधान अनुच्छेद 371, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में। तो ए और बी दोनों सही हैं इसके अंदर। राष्ट्रीय किसान दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। रेडियो धर्मी क्षय क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव डीके के बारे में पूछा था। तो अस्थायी अणुओं का विकिरणन के द्वारा उत्सर्जन के द्वारा स्वतः स्फूर्त क्षय, ये इसका आंसर होगा। तालीकोट के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, तो सदाशिव राय थे उस टाइम पे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी महाजनपद राजधानी सही सुमेलित नहीं है, तो मत्स्य की विराटनगर, दक्षिण पांचाल की कांपिल्ले, ये दोनों सही हैं। अंग की वैशाली नहीं थी, अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी और सूरसेन की मथुरा, तो ये सब सही सुमेलित हैं, ठीक है, लेकिन अंग और वैशाली ये सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद में आर्य समाज के संस्थापक के बारे में पूछा गया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ये उत्कर्ष 2.0 एबासिन मोचा मियावाकी ये दिया था। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो एबोसिन जो होती है वो एक एंटीबायोटिक होती है। तो एबोसिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। उत्कर्ष 2.0 अपनी भुगतान प्रणालियों की निगरानी के लिए RBI का ढांचा बनाया हुआ है। तो ए में थर्ड, बी में सेकंड और मोचा सी। तो सी अगर बात करें तो सी में पहला आ जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात था, और मियावाकी एक वृक्षारोपण की तकनीक होती है। निजीकरण किस, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला नहीं, तो आप ढूंढ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं अगर आपको मिला हो तो। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें एक अभिकथन ए तथा दूसरा आर है कि भारत की संप्रभुता राष्ट्रकुल की सदस्यता के असंगत है। भारत के राष्ट्रकुल के स्वैच्छिक संबंध किसी भी प्रकार से भारत की संप्रभुता को प्रभावित नहीं करते हैं। तो इसमें ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करते हैं, तो ये इसका आंसर होगा। ओजोन गैस की परत हमारी रक्षा करती है, तो सूर्य की पराबैंगनी जो किरणें हैं उनसे रक्षा करती है। डी समांतर BC, तो के का मान पूछा था, तो ये 8 आएगा। उसके बाद में हम बात करें विपणन 2023 के लिए रागी का MSP पूछा था, रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो 3846 रुपये प्रति क्विंटल होगा। उसके बाद में G20 के लिए एंटी करप्शन जो बैठक हुई थी 9 से 11 अगस्त 2023 तक, वो कहाँ पे संपन्न हुई, कोलकाता के अंदर। वायुमंडल का क्षेत्र जो जमीन के सबसे नज़दीक है, तो ट्रोपोस्फेयर होता है, क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद में समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल, इस तरीके से आते हैं ये। तो सबसे करीब जो होता है वो क्षोभ मंडल होता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, सूची 1 और 2 को सही सुमेलित कीजिए, तो ये कुछ मतलब पहाड़ लोहायस्क क्षेत्र दिए हुए हैं और राज्य बताए हुए हैं। तो संदूर की अगर मैं बात करूँ तो कर्नाटका में, बादाम पहाड़ की बात करें तो उड़ीसा में, नोआमुंडी झारखंड में, और दल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में। तो इसका जो आंसर है सी हो जाएगा। चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, ब्राज़ील कॉफी उत्पादन के लिए फेमस है। इसमें दिया यदि 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कार्य को 10 दिन में पूर्ण करते हैं, और 40 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसको 6 दिन में पूर्ण कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 10 घंटे। जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ब्रोकन हिल जो है। उसके अलावा नेक्स्ट है CBI के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, सॉरी CBIC जो अगस्त 2023 में, उनको किन को मतलब नया अध्यक्ष चुना गया, तो संजय कुमार अग्रवाल होगा। ये वाला क्वेश्चन आप सोल्व करके बता सकते हैं।
23। उसके बाद में रैमजेट के विषय निम्न कथनों पर ध्यान दें। तो रैमजेट वायु स्वास्थ्य जेट इंजन का एक प्रकार होता है और गति बढ़ने पर रेजिमेंट की क्षमता बढ़ जाती है। इंक्रीजिंग लिखा है, हिंदी में थोड़ा गलत लिखा हुआ है इसमें, देखिए इंक्रीजिंग स्पीड लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, क्षमता घट जाती है ना। तो जो इंग्लिश में जो होता है वो मान्य होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, ठीक है। दोनों ही कथन क्या हैं, सही है। मतलब इंक्रीज स्पीड होती है और रामजेट जो जेट इंजन होता है ये एरोप्लेन्स के अंदर यूज किया जाता है। कैंडेला का ऐसा ही मात्रक पूछा है तो ज्योति तीव्रता। कैंडेला किसका ऐसा ही इकाई है, ज्योति तीव्रता का। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो सामरिक रूप से अवस्थित जिब्राल्टर जल डमरू मध्य मिलाता है। मतलब जिब्राल्टर स्ट्रेट किस को ज्वाइन करता है ना, तो ये पूछा था उन्होंने। तो अटलांटिक ओशियन मतलब अंध महासागर और भूमध्य सागर को क्या करता है, जोड़ता है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था, वर्गीज कुरियन के द्वारा शुरू किया गया था। द यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, पेट्रियाटिक एसोसिएशन जो है उसकी स्थापना किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। निम्न में से कौन से कथन उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के संदर्भ में सही है, एक व दो दोनों, ठीक है, ये दोनों ही सही है। उसके बाद में हुकर और थॉमसन ने 1867 में भारत को कितने वनस्पति मतलब वनस्पति क्षेत्रों में वर्गीकृत किया, तो 8 क्षेत्रों में। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मतलब सारे इनके आंसर पहले सर्च किए गए हैं अच्छे से, फिर उन पर मतलब रिसर्च करने के बाद में सारे आंसर बताएं। तो आप अगर खुद भी चेक करेंगे तो कोई सा भी आंसर गलत नहीं होगा और मैं गलत चीज़ें डालता भी नहीं हूँ कंटेंट। इसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्दों के लिए सही विकल्प क्या है, तो इसमें हस्त पाणी और हसित नहीं होगा इसका, है ना, और शशांक मयंक और राका, ठीक है, इसमें ये नहीं होगा। अली भ्रमर और मधुकर जो है वो तीनों सही हैं, तो यही होगा। इनमें से सही वर्तनी का शब्द है, तो उज्ज्वल में दो बार आधा क्या आता है, ज आता है। पारंगत जो किसी भी विषय का पूर्ण विद्वान हो। गुरु के समीप होता है अंतेवासी, इसका शिष्य भी होता है, ठीक है। मतलब अंतेवासी अगर पर्यायवाची होगा अंतेवासी का, तो शिष्य उसका पर्यायवाची होता है। तो हो सकता है दोनों आंसर हो, बाकी डिपेंड करता है UPSC वाले पे। तो अंतेवासी इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा इंद का महेंद्र हो जाएगा, कमल का इंदवीर हो जाएगा, गंगा का त्रिपथ का और स्त्री का वनीता। तो जो सी आंसर है, सी आंसर सही है। उसके बाद में विषैला क्या होता है, सांप होता है, कटीला रास्ता, दयालु पुरुष और चमकीला पत्थर। तो इसमें जो बी आंसर है, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद में पुष्प का फूल, आम्र का आम, अग्नि का आग, मतलब ये तो बहुत ईजी है, हस्त का हाथ, है ना, तो ये इसके अंदर डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद में विलोम पूछे थे, उसने तो प्रवृत्ति का निवृत्ति हो जाएगा, निरामीस का सामीस हो जाएगा, ध्वंस का निर्माण हो जाएगा और नूतन का पुरातन। तो इसमें सी आंसर हो जाएगा 38 में। जो सब संस्कृत से विकृत होकर आए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव कहा जाता है उनको ना। तत्सम जो संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो ऐसे के ऐसे यूज कर लिए जाएं तो उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम कहा जाता है। अगर विकृत होकर आए हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। सूची एक और दो को सम्मिलित कीजिए, जो तीनों कालों को देख सकता है त्रिकालदर्शी, भविष्य की बातें बोलता है भविष्यवक्ता, वर्णन के बाहर है वर्णनातीत, जो बहुत बोलता हो वाचाल। तो इसमें डी आंसर आ जाएगा। अशुद्ध पूछा है इसने, तो पुरस्कार नहीं होता, वो पुरस्कार होता है ना, ये जो इसमें मात्रा लगाई हुई है मात्रा नहीं आएगी, पुरस्कार होता है वो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मानवीय का विलोमार्थी पूछा था, तो अमानवीय होगा। इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है, सर्वमुखी नहीं होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द पूछा है, तो भिक्षा जिसमें 6 जो आता है वो तत्सम ही होते हैं, ठीक है, बाकी सब कैसे हैं, ये सारे तद्भव हैं। इसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट, तो कहन का कृष्ण हो जाएगा, घर का ग्रह हो जाएगा, अध का आज हो जाएगा और 8 का अष्ट हो जाएगा। तो इसमें ए आंसर आएगा। पुष्प धनवा कामदेव का पर्यायवाची है, मेरे से भूल हो गई नहीं होगी, मुझसे भूल हो गई, काहे से लिखूँ, किससे लिखूँ, है ना, मैंने जाना मतलब मुझे जाना है। तो यहाँ पुस्तक उठाइए, शुद्ध वाक्य यही है।
इसके बाद में विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, मतलब दोनों में से एक की नहीं, या का मतलब दोनों में से एक हो गया, तो विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण परिणाम बोधक होता है, परिणाम बोधक नहीं, परिमाण बोधक अगर यहाँ पर होता तो आंसर हो सकता था, इसलिए दोनों ही गलत हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि दाता तो उसका विलोम शब्द पूछा है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द, तो दाता का मतलब देने वाला और याचक का मतलब मांगने वाला। कोई आदमी आ रहा है तो कोई आदमी मतलब उसकी विशेषता बता रहे हैं, मतलब सॉरी सर्वनाम के रूप में यूज हुआ है कोई, तो सार्वनामिक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट था कि कौन सा एक्सटेंशन एक्सेल फाइल सेव होती है, कौन सा एक्सटेंशन के अंदर, तो डॉट एक्सेल एक्स एक्स करके ई बी पी के बारे में पूछा है, तो ई बी पी का मतलब हो जाएगा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस या साक्ष्य आधारित अभ्यास। ठीक है, उसके बाद में बर्थ ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर बर्थ कब रजिस्टर की जाती है, तो 21 दिन के अंदर रजिस्टर की जाती है, इसका आंसर हो जाएगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में पूछा है, तो एक्सेसिव लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट्स होगा इसके अंदर, बाइकार्बोनेट्स का जब लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स बाहर निकल चुके हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पूछा है, तो हैदराबाद के अंदर है। पायोनियर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनका एक फ़ोटो हम देखते रहते हैं। विच ड्रग इज़ इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी के लिए पूछा था, तो इसमें क्लोफाजिमिन आएगी, वैसे डेप्सोन होती है, डेप्सोन अगर रेजिस्टेंस कर लेती है तो क्लोफाजिमिन देते हैं। इसके अलावा नॉर्मल रेंज ऑफ सोडियम, तो 135 से 145 सभी को पता है। उसके बाद में ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में क्या आते हैं, एजेंट होस्ट और एनवायरनमेंट, तीनों आते हैं, ट्रीटमेंट नहीं आता है ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है, तो रेड बैग के अंदर अगर मैं बात करूं तो रेड बैग के अंदर प्लास्टिक वेस्ट डालते हैं, येलो बैग के अंदर इन्फेक्टेड वेस्ट, ब्लैक के अंदर जनरल, और पंक्चर प्रूफ जो होता है उसके अंदर शार्प नीडल्स को डाला जाता है, तो इसका जो आंसर है डी हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करें तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के बारे में पूछ रहे हैं कि इनमें से क्या नहीं होगा फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के अंदर, तो अगर हम इसके अंदर बात करें तो लार्ज हेड भी होने वाला है, लार्ज बैट लाइक ईयर्स हो जाते हैं, शॉर्ट स्टेचर हो जाता है, स्मॉल हेड नहीं होता है। ठीक है, स्मॉल हेड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद में मिनिमम नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट, तो एंटीनेटल विजिट की अगर मैं बात करूँ RMNCHA के द्वारा, तो 4 एंटीनेटल विजिट होनी चाहिए कम से कम। इसके बाद में पूछा है एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के बारे में कौन सा कथन सही है, मतलब क्या सही है इसके अंदर से, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो सेल काउंट डिक्रीज, प्रेशर इज डिक्रीज, प्रोटीन कंपोनेंट इंक्रीज, है ना, तो प्रोटीन कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ये कथन सही है, ग्लूकोज कंटेंट डिक्रीज होता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीडोट, एंटीडोट की अगर मैं बात करूँ किसकी, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग की, तो एट्रोपिन होती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछा है हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न, एक्सेप्ट कौन सी, मतलब हेमोलाइटिक डिजीज़ है बाकी सारी एक नहीं है, तो ओपन स्पाइना जो बायोफिडा होती है या NTD होती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। WWW के बारे में पूछा है कि फुल फॉर्म उसकी, तो वर्ल्ड वाइड वेव होगी उसकी फुल फॉर्म। कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में पूछा है, तो E. coli होगा, है ना। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर ऑफ थॉट, डिल्यूजन आएगा इसके अंदर। एमनेशिया और ब्रेन इंजरी और डैमेज के बारे में पूछा है कि ब्रेन इंजरी और डैमेज की वजह से अगर एमनेशिया हो रहा है तो उसके अंदर ऑर्गेनिक एमनेशिया हो जाएगा। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें ऑर्गन इन्वॉल्व हो, है ना, मतलब यहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है तो उसकी वजह से जो एमनेशिया होगा तो वो कौन सा एमनेशिया हो जाएगा, ऑर्गेनिक एमनेशिया। क्रिएटिनिज्म के बारे में पूछा था, तो कंजेनाइटल हाइपोथायरॉइडिज्म के अंदर क्रिएटिनिज्म पाया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें द नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर, तो नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर जो होता है 4 to 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर आएगा यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो वायरल हेमरेजिक डिजीज क्योर्ड बाय वायरस एंड ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट, तो इसमें येलो फीवर जो होगा विषाणुजनित, मतलब हेमरेजिक जो बीमारी है वो कौन सी है, येलो फीवर, बाकी सभी हेमरेजिक नहीं है।
वोलेटाइल मेमोरी के बारे में पूछा था। तो रैम जो होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस विच इज़ प्रेजेंट, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन पूछा है, तो मीजल्स की जो वैक्सीन होती है वो कैसी होती है, लाइव वैक्सीन होती है। द कॉमनेस्ट को जो पेरीफ्रल न्यूरोपैथी इन डेवलप्ड कंट्रीज़, तो डायबिटीज जो मलाइटिस होता है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में इनको मैच करने के लिए बोला था, एप्लास्टिक एनीमिया, परनीशियस एनीमिया ना, हीमोलाइटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो मतलब एक या दो चीज़ें भी अगर आपको पता है तो मतलब आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया की अगर मैं बात करूं तो एप्लास्टिक एनीमिया जो होता है उसमें बोन मैरो एप्लेजिया हो जाता है, ठीक है। परनीशियस एनीमिया की अगर हम बात करें तो परनीशियस एनीमिया जो होता है उसमें एडिसन्स डिजीज हो जाती है। हीमोलाइटिक एनीमिया की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होने लगेगा, और सिकल सेल के अंदर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। मैकबर्ने पॉइंट पे पेन, ये तो सभी को पता है, अपेंडिसाइटिस के अंदर होता है। कुप्पू स्वामी क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा था कि उसमें सारी चीज़ें आती हैं एक को छोड़ के, तो टाइप ऑफ हाउस नहीं आता है। ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और इनकम के बारे में, तीनों के बारे में बताता है। हिमाटेमेसिस के बारे में पूछा था कि कौन सी डिजीज़ में होगी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की टीबी के अंदर हिमाटेमेसिस नहीं होता, मेलेना हो सकता है या हिमेटोचीजिया हो सकता है, ठीक है। और पेप्टिक अल्सर के अंदर हो सकता है कि पेप्टिक अल्सर के अंदर जैसे ड्यूडेनल अल्सर हो गया है ना, या फिर गैस्ट्रिक अल्सर हो गए, तो उनके अंदर वोमिटिंग के साथ में ब्लड आ सकता है। तो पेप्टिक अल्सर इसका आंसर चला जाएगा। द कॉमनेस्ट क्योज ऑफ ब्रेन स्ट्रोक, तो ब्रेन स्ट्रोक का कॉमनेस्ट क्योज होता है सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विच ड्रग इज़ इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस, तो थायरोइड जो टॉक्सिकोसिस है उसमें कार्बिमाजोल, मेथीमाजोल ये ड्रग्स दी जाती हैं, तो कार्बिमाजोल यूज आएगी यहाँ पे, कार्बिमाजोल इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडमिनिस्ट्रेड विद द हेल्प ऑफ नेबुलाइजर, नेबुलाइजर की हेल्प से एरियोसोल्स देते हैं हम। एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में बात करें तो बहुत सारी जनरेशन आ जाती हैं। रे ओस्ट्रिस कॉम्प्लेक्स फिगर टेस्ट विजुअल मेमोरी को टेस्ट करने के अंदर यूज लिया जाता है। ऑल आर द ट्रू नियोनेटल कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू डायबिटिक प्रेग्नेंट मदर एक्सेप्ट, तो हाइपरग्लाइसीमिया जो होता है नहीं हो सकता, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है क्योंकि बच्चे के अंदर इंसुलिन का ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है। बाकी दोनों चीज़ें भी होंगी, हाइपोमैग्नीसीमिया और हाइपोकैल्सीमिया, बट हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगा बच्चे के अंदर। द मेडिसिन गिवन फॉर डीवार्मिंग इन चिल्ड्रन, तो एल्बेंडाजोल देते हैं, 400 mg टेबलेट आती है एल्बेंडाजोल, वो देते हैं। द नंबर ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ पेशेंट एज आइडेंटिफाई बाई हैंडरसन, तो हैंडरसन के द्वारा 14 वर्जीनिया जो हैंडरसन थी उन्होंने जो थ्योरी दी थी उसके अंदर 14 जो कंटेंट्स थे उनके ऊपर बताया गया था। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, तो तीनों चीज़ों में अर्ली लिखा हुआ है, अर्ली मैरिज, अर्ली कोइटस, अर्ली चाइल्ड बियरिंग, बचा एक सिंगल चाइल्ड बर्थ, तो सिंगल चाइल्ड बर्थ इसका आंसर होगा क्योंकि मतलब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है ये कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स का। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा है मतलब ये नहीं होगा, बाकी सब हो सकते हैं, है ना। तो द टर्म सोशियोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस या कॉइन्ड बाई अगस्ते कोमते जो है उन्होंने दिया था सोशियोलॉजी टर्म के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग, तो गैलेक्टोसीमिया इन इन्फेंट, इसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। मैस्टाइटिस में रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। मैस्टाइटिस में मान लीजिए अगर एक ब्रेस्ट में इन्फेक्शन है तो दूसरे ब्रेस्ट से पिला सकती है, और उसमें भी हम ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करने के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो गैलेक्टोसीमिया होगा। हाइपोगैमी को पेट्रिलोमा कहते हैं, हाइपोगैमी का दूसरा जो नाम होता है वो पेट्रिलोमा होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो फीमेल जो होती है वो लोअर कास्ट का जो मेल होता है उसके साथ में शादी कर लेती है, तो उसको हाइपोगैमी कहा जाता है। आईक्यू के बारे में दिया था, तो 70-79 जो आईक्यू होता है वो बॉर्डर लाइन के अंदर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, तो वेरिसेला जो होती है वो वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी के अंदर, बाकी कोई से भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होती है। परसीविंग ए रोप एज ए स्नैक इन डार्क रूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो जब भी किसी ने भी साइकेट्रिक पढ़ाई होगी तो ये तो सबसे ज़्यादा सभी लोग बताते हैं कि इल्यूजन होता है ना। तो मोस्ट कॉमन क्योज ऑफ लो बर्थ वेट
बेबी इज, तो प्री मैच्योर बर्थ हो जाएगा इसके अंदर, लो बर्थ वेट बेबी का। साइको एनालिटिक मॉडल जो है वो सिगमंड फ्रूड ने दिया था। द एज ऑफ एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा, एल्डरली 30 के बाद अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है तो उसको एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा कहते हैं ना। सारे आंसर आप मैच कर लीजिएगा, मैच करने के बाद जो भी मतलब जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हो कमेंट करिएगा, ठीक है। विच इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड नियोनेटल केयर गिवन बिफोर एंड अराउंड द टाइम ऑफ बर्थ, तो पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट आ जाएगा इसके अंदर। फॉलोइंग ड्रग कैन बी सेफली यूज इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट, तो मैग्नीशियम सल्फेट भी दे सकते हैं, लाबेटालोल भी दे सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन भी दे सकते हैं, वारफेरिन नहीं देते हैं, ना वारफेरिन नहीं यूज करते हैं, हिपेरिन यूज करते हैं। द ओडिपस कॉम्प्लेक्स अकर्स इन विच स्टेट, तो ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी में, जो किसके अंदर आते हैं, फेलिक स्टेज के अंदर। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा था, तो 3 महीने इसका आंसर होगा, 3 मंथ्स तक का ये क्या बता देता है, ग्लूकोज का जो लेवल है प्रीवियस 3 मंथ्स तक का वो बता देता है। डायबिटीज़ के अंदर हम मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व नर्व इन लेप्रोसी, तो लेप्रोसी के अंदर अल्नर नर्व सबसे ज़्यादा 88% के आसपास अल्नर नर्व अफेक्ट होती है, उसके बाद में कॉमन पेरोलियन नर्व आती है, तो सबसे ज़्यादा अल्नर नर्व इफेक्ट होती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर आउटपुट डिवाइसेज एक्सेप्ट, तो स्कैनर जो है वो आउटपुट देता है, स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है, बाकी मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है, और स्पीकर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। द एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन मे बी बेस्ट डिस्क्राइब एज, तो एज और सेक्स स्ट्रक्चर जो है वो पॉपुलेशन पिरामिड के द्वारा दर्शाया जा सकता है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है रेन वाटर। एक्सपल्जन ऑफ फीटस अकर इन विच स्टेज, तो सेकंड स्टेज जो होती है, सेकंड स्टेज के अंदर एक्सपल्जन हो जाता है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड पीनियल होती है। ए डिफेंस मैकेनिज्म इन विच पर्सन जस्टिफाई हिज अनजस्टिफाइबल बिहेवियर बाय गिविंग एक्सेप्टेबल रीजन, है ना। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, रैशनलाइजेशन हो जाएगा, कि मतलब हर चीज़ के लिए कारण बताता रहता है कि कल स्कूल क्यों नहीं आए, तो आज मैं कि सर मैं कल बीमार हो गया था इस वजह से स्कूल नहीं आया, पेट में दर्द हो गया था, रैशनलाइज करने लगते हैं, तो रैशनलाइजेशन हो जाएगा किसी भी चीज़ के लिए कि ऐसे एक्सेप्टेबल जो रीज़न देना। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यूज टू ट्रीट मेनेंजियल ट्यूबरकुलोसिस, तो इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है ना, तो इसके अंदर मेरे हिसाब से आंसर है जो 9 मंथ जाएगा, 6 मंथ नहीं जाएगा, तो बाकी आप देख लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। विच डिवाइस स्कैन डॉक्यूमेंट इमेजेज एंड सेव देम ऑन कंप्यूटर एज ए डिजिटल इमेजेज, तो स्कैनर जो होता है वो स्कैन करता है, हमें पता है डॉक्यूमेंट को स्कैन करके हम क्या कर लेते हैं, कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट, मतलब कंसिस्टेंटली जो मेजरमेंट दे रहा है वो रिलायबल है। जैसे कि बीपी इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो बीपी चेक कर रहा है तो वो तो क्या हो गया, वैलिड हो गया, और अगर बार बार हम उससे बीपी चेक कर रहे हैं और सही मेजर कर रहा है वो, तो कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट वो रिलायबिलिटी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग बार सो द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो इसमें देखो कितना ईजी पूछा है कि मतलब ऐसा, मतलब जो नेम ऑफ डॉक्यूमेंट दिखाता है, तो नेम में क्या होता है, टाइटल होता है, टाइटल बार आ जाएगा इसके अंदर, है ना। उसके बाद में मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर स्कीम इन इंडिया वाज इनिशिएटेड फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ, तो करतार सिंह कमेटी जो है वो मल्टीपल पर्पज जो हेल्थ वर्कर है उसके बारे में बताती है। मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ स्टरलाइजिंग ऑल ग्लासवेयर, तो ऑल ग्लासवेयर के अंदर हॉट एयर जो ओवन है वो आएगा। इसके अलावा हम बात करें तो ये सारे जो स्टेटमेंट हैं इनको मैच करना है, गलत कौन सा है, मतलब सारे करेक्टली मैच किए हैं, एक नहीं किया हुआ है वो पूछ रहा है। तो पर्टोसिस क्या होता है, पर्टोसिस में ड्रूपिंग ऑफ आईलिड होता है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल नहीं होता है ना, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक डिजीज, तो जेनेटिक डिजीज का एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, तो हीमोफीलिया होगा ना। नॉन पिटिंग एडिमा जो होता है वो फाइलेरियसिस जो डिजीज़ होती है उसमें नहीं देखने को मिलता, बाकी तीनों डिजीज़ के अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाए या फिर लीवर सिरोसिस हो जाए या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तीनों में कैसा, पिटिंग एडिमा देखने को मिलता है, नॉन पिटिंग एडिमा फाइलेरियसिस में। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन एक्सेप्ट, तो परसेप्शन हो गया, रिएक्शन हो गया, रिसेप्शन हो गया, रिसेप्शन का मतलब रिसेप्टर्स के द्वारा हम ग्रहण करते हैं सेंसेशन, तो ये सभी हैं, इंटरप्शन नहीं होता है ना। उसके बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट जो है
वो बेस्ड ऑन एस्टिमेशन ऑफ फॉलोइंग हार्मोन। तो जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट आती है उसमें हम देखते हैं यूरिन के अंदर HCG का लेवल, तो HCG हार्मोन से पता चलता है। विलेज हेल्थ गाइड स्कीम जो है वो 1977 में लॉन्च हुई थी। अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर अगर लीजन हो जाए तो हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स होने लग जाते हैं, और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन के अंदर होता तो फ्लैसिड पैरालिसिस वगैरह उसके अंदर होने लगते हैं। द वर्ड सोशियोलॉजी इज रेफर्स टू, तो सोशियोलॉजी के क्या स्टडी है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स और उनके बिहेवियर की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, सोशियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो टाइफॉइड फीवर को मैच करने के लिए बोल रहा है ये सारी चीज़ों को, तो इसमें जो सी आंसर है सी आंसर चला जाएगा। डिफ्थीरिया इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो टाइफॉइड के अंदर क्या होगा, टाइफॉइड के अंदर इंटेस्टाइनल परफोरेशन होने के चांस होते हैं, क्योंकि ये किससे होता है, फीको ओरल रूट से होता है ना। इसके बाद में हम बात करें वूफिंग कप की, तो वूफिंग कप के अंदर एटेलेक्टेसिस हो जाएगा, पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है जिसे। डिफ्थीरिया की अगर मैं बात करूँ तो डिफ्थीरिया के अंदर फेरेंजियल पैरालिसिस, और मम्स के अंदर क्या होगा, डीफनेस, मम्स के कारण डीफनेस हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाई टिक, तो काइनासोर जो फॉरेस्ट डिजीज होती है वो टिक के द्वारा ट्रांसमिट होती है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो ECG का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.2 to 0.8 सेकेंड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 0.7 to 1.5 सेकेंड पे अगर हम जाएंगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो 0.2 to 0.8 सेकेंड होना चाहिए। ये सारे मेटाबॉलिक क्योज है डिलीरियम के, एक को छोड़ के। तो पोरफायरिया जो होता है वो हीमोग्लोबिन में एबनॉर्मलिटी के कारण होता है, तो बाकी सारे कैसे क्योज हैं, मेटाबॉलिक क्योज हैं। रिकमेंडेड प्रोटीन इनटेक तो 0.8 to 1 mg/kg होता है वो, है ना, तो उसके अंदर क्या होगा, 0.8 को अगर हम 50 से गुना करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो 40 grams per day होगा। इसके बाद में कैल्सिटोनिन हार्मोन पैराफोलिकुलर सेल या सी सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है। नेशनल न्यूट्रिशनल जो पॉलिसी है 1993 के अंदर आई थी, जो ये सॉफ्टवेयर है, बाकी सारे सॉफ्टवेयर हैं एक को छोड़ के, तो इसके अंदर क्या है, MySQL जो है MySQL आएगा इसके अंदर आंसर, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, बाकी सारे कैसे हैं, सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, इसके अंदर MS-DOS जो है, MS-DOS CUI ऑपरेटिंग है। इसके बाद में कि अनुसूचित जाति जो है, मतलब जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना परिकल्पना किस अनुच्छेद में की गई थी, तो आर्टिकल 338 आएगा इसके अंदर आंसर। नेक्स्ट है एपिडेमिक ड्रॉपसी, एपिडेमिक ड्रॉपसी जो होती है सेंगुनाइरिन के कारण होती है ना। द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया, मतलब जो लोबार निमोनिया करता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है HTML स्टैंड फॉर, तो HTML का जो आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। द लिटरेचर ऑफ रिव्यू, तो लिटरेचर ऑफ रिव्यू जो होता है वो ऑल आस्पेक्ट ऑफ टॉपिक्स को क्या करता है, कवर करता है। फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस ongoing और dynamic प्रोसेस होती है। मोस्ट accepted डेफिनेशन ऑफ हेल्थ WHO के द्वारा दी गई थी, अगर 7 mg/dl अगर किसी का सीरम क्रिएटिनिन है तो उसमें आप हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको असेस करने के लिए देंगे, तो इनटेक और आउटपुट असेस करेंगे हम उसका। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हेन HIV केस और एनी डिजीज इज रिपोर्टेड ऑल ओवर वर्ल्ड, तो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जब भी फैल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पेंडेमिक, जैसे कि कोविड पेंडेमिक हुआ था। वेरी लो बर्थ वेट बेबी पूछा है, तो 1500 ग्राम से अगर कम होगा तो वेरी लो बर्थ वेट बेबी के अंदर आ जाएगा वो। ऑस्मोटिक डायूरेटिक पूछिए, तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक होती है मैनीडोल। इसके बाद में पोवर्टी, पोवर्टी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट है। ऑल ऑफ द एंटीबॉडीज कैन क्रॉस प्लेसेंटा एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट पूछा है, इसमें IgG भी जा सकती है, A भी जा सकती है, और EBM नहीं जा सकती, M प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती है। ये मिल्क में भी प्रेजेंट होती है, बट प्लेसेंटा को अगर क्रॉस करने की बात की जाए तो क्रॉस कर सकती है, M जो होती है वो सबसे बड़ी होती है इसलिए क्रॉस नहीं कर पाती है। एपिसोड्स ऑफ वांडरिंग अवे फ्रॉम द होम इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द विच डिसऑर्डर, है ना, तो इसमें क्या होता है, डिसअसोसिएटिव फ्यूग होता है, इसके अंदर पर्सन क्या करता है, भूल जाता है बिल्कुल जो पिछली लाइफ होती है और एक नई लाइफ स्टार्ट कर देता है नए नाम के साथ, ठीक है,
घर से दूर जाके कहीं पे भी नई लाइफ स्टार्ट कर देगा, तो वो क्या होता है, डिसोसिएटिव फ्यूग होता है। डिसोसिएटिव जो एमनेशिया होता है उसमें उसको खुद को ऐसे पता रहता है कि वो कुछ भूला है, घर से छोड़ के नहीं जाता है, वहीं पर रहता है, लेकिन उसको मतलब भूलने की बीमारी हो जाती है, भूल जाता है, मतलब वो अपनी पिछली लाइफ पास्ट लाइफ को भूल जाता है। द विटामिन प्रेजेंट इन लो लेवल इन ब्रेस्ट मिल्क, तो लो लेवल इन ब्रेस्ट मिल्क विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है। विटामिन B12 भी हो सकता था, लेकिन विटामिन B12 ज़्यादा मात्रा में होता है और विटामिन डी जो होता है वो लो लेवल के अंदर होता है, ठीक है। तो लो लेवल पूछा है इसने, तो विटामिन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर एंटी लार्वल मेजर एक्सेप्ट, तो मेलाथियन एंटी लार्वल मेजर नहीं होता है, बाकी सभी एंटी लार्वल मेजर होते हैं। ए प्रोसेस इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज थॉट इन्फॉर्मेशन एक्शन रेस्पॉन्स बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल, तो सोशल इंटरेक्शन के अंदर होता है, सामाजिक संपर्क के अंदर। IMNCI की फुल फॉर्म आप सभी को आती होगी, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेसेज। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर मेथड, लाइपेज लूप बैरियर मेथड में नहीं आता है, एक्सेप्ट पूछा है इसने। वजाइनल स्पंज फॉर्म टेबलेट और डायफ्राम ये सभी कैसे मेजर हैं, बैरियर मेथड। इसके बाद में नेचुरल पेस मेकर के बारे में पूछा, तो ऐसे नोड होता है, ए पेशेंट ऑन स्टेरॉइड थेरेपी शुड बी टोल्ड टू, मतलब उसको यही बताएंगे हम कि डिसकंटिन्यू नहीं करना है मेडिकेशन को, अचानक से बंद नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन न्यूरो ट्रांसमीटर, तो डोपामिन न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, वो हम सबको पता है। उसके बाद में हम बात करें, बर्न असेसमेंट इज डन बाय द रूल ऑफ 9 के द्वारा बर्न का असेसमेंट किया जाता है। इसके अंदर ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग था, तो इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि इसमें हम ABC करेंगे। ABC का मतलब एयरवे ब्रीदिंग और मैनेजमेंट, एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, इस तरीके से हम मैनेजमेंट करते हैं, ABC मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या करना है, एयरवे को चेक करना है, उसके बाद में ब्रीदिंग को चेक करना है, और फिर सर्कुलेशन को चेक करना है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर कौन सा आंसर चला जाएगा, आंसर जाएगा इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रीदिंग को चेक करेंगे, फिर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है, फिर उसके बाद में ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे, और फिर शॉक का ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा इसके अंदर। इसके बाद में इंडियन नर्सिंग काउंसिल 1947 के अंदर है ना, उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड कौन सी होती है, डिजोक्सिन जो होती है, डिजोक्सिन क्या होती है, ग्लाइकोसाइड होती है। इसके बाद में हिली एरियाज के बारे में बात करें, तो हिली एरियाज में जो सब सेंटर होता है 3000 पे पाया जाता है। जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रेस्पॉन्स टू ए ड्रग इडियोसिंक्रेसी कहलाता है। फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी हैं गोविंद सदाशिव दुरे। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन का मतलब रिटर्निंग टू एन अर्लियर एज टू कोप विद सिचुएशन। इसके अंदर मैच द फॉलोइंग पूछा था, तो ICDS जो है 1975 के अंदर आया था, ठीक है। बी के अंदर फोर्थ हो जाएगा, ए के अंदर क्या हो जाएगा, नेशनल गोइटर कंट्रोल जो प्रोग्राम है वो 1971 के अंदर आया, MTP जो है वो 1971 के अंदर आया, और जो नेशनल गोइटर है वो 1962 के अंदर आया, और कोलंबो प्लान बचा है, तो कोलंबो प्लान जो है वो थर्ड मतलब 1950 के अंदर आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, तो कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन के बारे में हम बात करें, तो DVT हो जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 0 से 12 वीक तक होता है, फिर 12 से 28 और 28 से 40 है ना, तो इस तरीके से होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो वो 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड बी गिवन टू द पेशेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, तो ब्रोंकियल अस्थमा वाले पेशेंटों को सभी ड्रग देते हैं एक को छोड़कर, तो एस्प्रिन हो जाएगा उसका आंसर। उसके बाद में पूछा, इन प्रेगनेंसी हाइपर एमएसिस ग्रेविडेरम में अकर बिकॉज ऑफ एक्सेसिव HCG की वजह से क्या होता है, हाइपर एमएसिस ग्रेविडेरम होता है। और हर ब्रेस्ट के अंदर कितने मेमोरी लोब के सेक्शन पाए जाते हैं, 15 से 20। आप सभी अपने आंसर मैच कर सकते हैं, और आंसर मैच करने के बाद कमेंट करिएगा
ठीक है, हो सकता है एक या दो आंसर्स के अंदर मिस्टेक हो, क्योंकि नर्सिंग के अंदर मैं तो यही मानता हूँ कोई भी संपूर्ण नहीं होता है, कोई भी कंप्लीट नहीं होता है, हो जाता है कोई एक या दो आंसर ऊपर नीचे हो जाते हैं, आप कहीं पे भी देखेंगे तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आंसर देखने के बाद में कमेंट भी करिएगा कितने नंबर आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, ताकि हम कट ऑफ वाला जो वीडियो है कि कितने जो बच्चे हैं वो मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाए हो पाएंगे वो हम बना सकें। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो एससी और एसटी का जो है वो लगभग अगर किसी के 50% नंबर आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन लगभग हो सकता है, और अगर ओबीसी और जनरल की बात करूँ तो ओबीसी के अंदर लगभग 55 के आसपास, 55% की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर तो क्योंकि 85 नंबर का ही पेपर था, और जनरल के अंदर 56% के आसपास, क्योंकि पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा क्या जीके थी, और जीके भी मतलब हायर लेवल का जीके है ना, तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पेपर सोल्व भी करवाया है लेकिन वो नर्सिंग का लेके मतलब मटेरियल लेके आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि पेपर बहुत ईजी था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब जीके के क्वेश्चन है बच्चों ने अटेम्प्ट भी किए होंगे, ऐसी बात नहीं है, तो गलत हो जाते हैं बहुत सारे लोगों के। हिंदी खैर फिर भी थोड़ी बहुत ईजी थी, और जो नर्सिंग का था वो हमेशा मॉडरेट ही रहता है, थोड़ा ईजी भी थे थोड़े, मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे भी थे कि जो मतलब ट्रिकी थे, तो लगभग इतना रहने वाला है जो कट ऑफ है। बाकी आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहें, हमारे चैनल को प्रमोट करने में हेल्प करिए। धन्यवाद।